अस्सलामुअलैकुम मैया किचन्स में आपका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की मेरी रेसिपी है चिकन स्टिक कबाब, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी बनकर रेडी होता है। तो चलिए झटपट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी और बहुत ही जूसी ये कबाब बनकर रेडी होता है। तो चलिए आज की अपनी ये रेसिपी झटपट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मीट ग्राइंडर लिया है और इसमें बोनलेस चिकन है जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके पानी को बिल्कुल ड्राई कर लिया है और ये देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल ड्राई है। अब इसे मैं मीट ग्राइंडर में सभी पीसेस को, चिकन की पीसेस को डालूँगी। सारी चिकन की पीसेस को मैं मीट ग्राइंडर में ऐड करूंगी और इससे हाई स्पीड में जो है 30 मिनट में से इसका कीमा बनाऊंगी। देख सकते हैं कि इसकी स्पीड बहुत हाई है और अब ये झटपट से कीमा बनकर रेडी हो जाएगा। तो लो जी, मैंने चिकन बोनलेस चिकन का कीमा बना दिया और ये बहुत ही स्मूथ सा और बिल्कुल जिस तरह का कीमा कबाब में चाहिए बिल्कुल वैसे कीमा हुआ है। अब इसे मैं हाथों से निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, चिकन की पीसेस बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने रफली चॉप ऑनियन लिया है जो एक अदद है। यहाँ पर 3 से 4 से 5 ग्रीन चिली है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 कप हरा धनिया। इन सबको मैं चिकन के कीमे में ऐड करूँगी और चिकन के साथ जो है इसका भी पेस्ट बना लूँगी। सभी को मैंने डाल दिया और इसको ग्राइंड करूँगी और झटपट से इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगा। लो जी, ये भी पेस्ट रेडी हो गया, चिकन के साथ बिल्कुल मिक्स हो गया है। तो अब चलिए इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करती हूँ। आप देख सकते हैं कि पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए कुछ मसाले ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालूँगी, ये 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी यानी धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा इसमें, ये 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है, ये 1.5 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून चने के बेसन है जिन्हें से मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था वो भी इसमें डालूँगी, ये 1 लेमन जूस है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर है जो इसमें डालूँगी। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं और ये 1/3 कप ब्रेड क्रम्स है। अब इन सभी के साथ मैं इसे फिर से ग्राइंड करूँगी और सभी को मिक्स कर दूँगी। देख सकते हैं कि मैं इसको मिक्स ग्राइंडर में सभी मसालों के साथ चिकन को मिक्स ग्राइंड कर रही हूँ। ये भी हो चुका है। तो चलिए अब हम झटपट से कीमा, चिकन के कीमे का स्टिक कबाब बनाएंगे। ये पेस्ट रेडी हो गया और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये पिस चुका है। अब इसे मैं एक बाउल में निकालूंगी। पेस्ट हमारा बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल अच्छा। इसे झटपट से हम स्टिक कबाब बनाएंगे। तो मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। ये
ये देखिए मैंने सारे कीमे को बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने वुडन स्कीवर लिया है जिसे मैंने पहले से 10 मिनट पानी में भिगो रखा था। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है घी लिया है, इसको मैं सबसे पहले हाथों की हथेली पे अप्लाई करूँगी। ये देखिए इसे अप्लाई कर लिया। अब मैं कीमे को लेमन से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, कबाब जो कबाब जितना कबाब हमें चाहिए जितना हमारे मुट्ठी में आ जाए उतना कबाब लेना है, और इसे स्टिक में इसके अंदर से स्टिक डालकर इसे फैलाना है। कि हम स्टिक कबाब बना रहे हैं तो इसे स्टिक में हमें फैलाना है। इसे धीरे धीरे से प्रेस करते हुए इसे स्टिक में हम फैलाएंगे और इसे चॉपर पर फ्लैट करेंगे। इस तरह से घुमाते हुए इसे देख सकते हैं। अब इसे मैं एक प्लेट में निकालूंगी। तो सभी स्टिक कबाब को इसी तरह से मैं रेडी करूंगी 1 by 1। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे स्टिक कबाब को 1 by 1 रेडी कर लूँगी। आपने ये रेसिपी नहीं बनाई होगी तो झटपट से ये रेसिपी बनाइएगा, जो बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी मेरी आज की ये रेसिपी, जो जायके में 1। ये देख सकते हैं कि मैंने सारे चिकन कबाब को स्टिक में बना लिया है, चिकन स्टिक कबाब रेडी कर लिया है। इसे मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये सभी स्टिक मैंने रेडी कर ली है तो इसे मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे आधा घंटा भी रेस्ट पे रख सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद मैं आपको इसे फ्राई कर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक मोटे तवा लिया है और इस पर मैंने ऑयल अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे देखिए 1 घंटा हो चुका है, इसे मैंने पहले से निकाल कर रूम टेम्परेचर पे रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने पहले से ऑयल डाला था जो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, और इसे अच्छे से गर्म होने दिया और ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर लिया चारों तरफ। अब इसे 1 by 1 करके मैं स्टिक कबाब को तवे पर डालूंगी और इसकी फ्लेम को मीडियम रखूंगी, मीडियम टू लो रखना है, और इसे 7 से 8 मिनट एक साइड कुक करना है। 7 से 8 मिनट एक साइड हम इसे कुक करेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। और ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो चुका है, तो मैं इसकी साइड को चेंज करूंगी। और आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये गोल्डन हो चुका है, बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो दूसरी साइड से हमें 3 से 4 मिनट से इसी तरह से कुक करना है, और फिर इसे चारों तरफ से घुमाते हुए कुक करूँगा। तभी इसकी साइड को मैं चेंज करूँगी और इसे कुक करूँगी। और फिर से मैं ऑयल इस पर अप्लाई करूँगी। इस पर बटर या घी भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने इस पर ऑयल अप्लाई किया है। इसको चारों तरफ घुमाते हुए कुक करूँगी, और जो कुक हो चुका है उसे अब डिश प्लेट में निकालूँगी। देख सकते हैं कि कबाब चिकन स्टिक कबाब जो है वो रेडी हो चुका है, तो मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। वन बाय वन जो बाकी बचे हुए कबाब है उसे भी 1 by 1 करके मैं इसी तरह से कुक करूंगी।
सारे कबाब को हमें इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है अंदर से। ये अंदर से बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसी तरह से हम सारे चिकन स्टिक कबाब को रेडी करेंगे। लो जी, हमारा सारा चिकन कबाब स्टिक है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए झटपट से इसे अब मैं सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ और बाकी के जो बच्चे उसे इसी तरह फ्राई करती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे कबाब को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसकी स्टिक को मैं कबाब से अलग करूँगी, सारे स्टिक को मैं कबाब से अलहदा कर लूँगी। ये चिकन स्टिक कबाब है जो मैंने बनाया है, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और बहुत ही लाजवाब बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही जायके वाला होता है। मैं सारे स्टिक को कबाब से अलहदा कर लूँगी। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कबाब जो है वो बहुत ही अच्छा कुक हुआ है। अब इस पर मैं 2 से 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर अप्लाई करूँगी इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने पहले से प्याज को रेडी कर रखा था, तो मैं इसे ऑनियन के साथ गार्निश करूँगी, जिससे इसका जायका डबल हो जाता है। और इस पर मैंने ग्रीन चटनी अप्लाई कर दी। आप इसे इसी तरह से चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ या नान के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये अंदर से कितना जूसी और कितना अच्छे से कुक हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो ऊपर से बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी ये कबाब बन के रेडी होता है। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायके वाला बना है। आपको आज की रेसिपी ये पसंद आए तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे बहुत सारा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट्स में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत सी मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में मुझे याद रखिएगा। बाय बाय।